हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, आज है संडे और मैंने अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ वक्त निकाला गार्डनिंग के लिए। और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं नर्सरी जाऊँ और वहाँ से कुछ ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स लेकर आऊँ, कुछ पेस्टिसाइड्स लेकर आऊँ, तो टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने कुछ वक्त निकाला और दिखाती हूँ कि मैं कौन सी चीज़ें खरीद कर लाई हूँ। सबसे पहले तो ये वर्मी कंपोस्ट है। सभी गार्डनर्स को पता है वर्मी कंपोस्ट जो है हमारे गार्डनिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने भी गार्डनर्स हैं ऑलमोस्ट सभी के पास ये वर्मी कंपोस्ट होगा। और इसके साथ हमारे जो प्लांट्स हैं बहुत ही हेल्दी रहते हैं, उनमें शाइनिंग रहती है उनके लीव्स में, और ये बहुत ही अच्छा है फर्टिलाइज़र है। और इसके अलावा गाइस, मैंने ये ख़रीदा है परलाइट। परलाइट जैसे गाइस, आजकल घरों में कम स्पेस होता है गार्डनिंग के लिए, तो ऑलमोस्ट लोग ज़्यादा टेरेस पे गार्डनिंग करते हैं। तो गार्डनिंग के लिए परलाइट का यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो सॉइल होता है, सॉइल मिक्सचर हम बनाते हैं, सॉइल का वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। और अगर हम परलाइट का जो और कोकोपीट वगैरह का जो मिक्सचर बनाते हैं तो वो लाइट वेट होता है। हमारा पॉटिंग मिक्सचर जो होता है वो लाइट वेट होता है, टेरिस गार्डनिंग के लिए जो बेस्ट है। और इसके अलावा जो परलाइट है वो जो उसमें पोरस होता है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है और उसका जो एयर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। और इसी गुण के कारण जो इसका जो प्लांट्स जो हम लगाते हैं परलाइट में, उनकी रूट्स अच्छी डेवलप होती हैं और बहुत ही अच्छा प्लांट ग्रो करता है। और ये होता भी काफ़ी लाइट वेट है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि लाइट वेट पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए परलाइट प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आज मैंने परलाइट ख़रीदा है। और ये है नीम केक। तो गाइस, नीम केक का भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है गार्डनिंग में। ये देखिए, सभी इसके यूजेस आप पढ़ सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर कि जितने भी इसके यूजेस हैं इसके ऊपर ही लिखे हुए हैं इस पैक के ऊपर। तो ये नीम केक है। और कई बार हमारे जो प्लांट्स हैं उनको कोई इंसेक्ट्स अटैक कर देते हैं, चींटियां का अटैक हो जाता है, किसी भी तरह का कोई जो इंसेक्ट अटैक करता है, पेस्टिसाइड अटैक करता है, तो उसके लिए ये नीम केक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। तो गाइस, ये जो आप मिक्सचर देख रहे हो ये है मिक्सचर। इसमें सभी तरह का जो लाइट पॉटिंग मिक्स का सभी चीज़ें जो जैसे कोकोपीट है, परलाइट वगैरह है, वर्मी कंपोस्ट, सभी चीज़ें इसमें मिक्स की हुई हैं। तो आपको ऐसा मिक्सचर भी नर्सरी से मिल जाता है जिसमें आप डायरेक्टली जो सकुलेंट वगैरह है उन्हें लगा सकते हैं, क्योंकि सकुलेंट्स के लिए ये जो मिक्सचर है बहुत ही अच्छा है। और इसके अलावा गाइस, मुझे ये देखिए मिल गया बहुत ही प्यारा ये बर्ड हाउस। देखिए ये वुडन है, वुडन बर्ड हाउस। देखिए कितना प्यारा और काफ़ी मजबूत है गाइस ये वाला। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ये भी मैंने परचेज़ किया है। ये 250 का पड़ा मुझे। और साथ ही एक प्लांट भी मैं लेकर आई हूँ, ये देखिए ये प्लांट, इसके ऊपर बर्डिंग भी है। और ये प्लांट है गाइस बेगम बहार का। बेगम बहार के फूल पर्पल कलर के होते हैं, बहुत ही अच्छा हार्डी प्लांट होता है। तो ये भी मैंने आज परचेज़ किया है। तो गाइस, आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी छोटी सी शॉपिंग पसंद आई होगी। कैसा लगा वीडियो? पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।